हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग बारिश में, अब बारिश हो रही है, कुछ लोग बारिश में ड्राइविंग करते हुए बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो अपनी गाड़ी की हेजार्ड लाइट्स को ऑन कर देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी देखा देखी भूल कर मत करना। इस गलती की वजह से आपकी गाड़ी, जब आप गाड़ी का टर्न लोगे, आप इंडिकेटर दोगे, इंडिकेटर गाड़ी का नहीं जलेगा। हैजर्ड लाइट की वजह से चारों लाइट्स एक साथ ऑन रहेंगी और आपकी गाड़ी का इंडिकेटर नहीं दिखेगा। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। गाड़ी से चलाता हूँ, गर्मी लग रही है दोस्तों। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बारिश को देखते हैं और अपनी गाड़ी का हैजर्ड लाइट्स ऑन कर देते हैं, एक दूसरे को देखा देखिए। जब आप, जैसे मान लो हाईवे हाई स्पीड में गाड़ी को चला रहे हो, आपको लेन चेंज करनी है, तो उससे पीछे वाले लोगों को, आगे वाले लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपको टर्न करना है या फिर लेन चेंज करनी है। तो ये गलती जानलेवा भी हो सकती है। लोग विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, इससे अच्छा है अपनी गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर दो, जैसे कि मैंने भी कर रखा है कि आप देख सकते हो इसको। इससे क्या होता है, जो गाड़ी के पीछे वाली टेल लाइट होती है रेड कलर, वो भी जल जाती है, आगे की लाइट भी जल जाती है, जिससे कि आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी अपने आप ही काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं आपको एक बार घर में दिखाता हूँ कैसे होता है। और रेड कलर ही इसलिए ही हमेशा वार्निंग लाइट्स में किया जाता है, क्योंकि रेड कलर इतनी आसानी से गायब नहीं होता। बाकी के जो कलर होते हैं वो विजिबल नहीं होते, पर रेड कलर सबसे ज़्यादा विजिबल रहता है, सबसे कम, मतलब क्या होता यार, इंग्लिश में बढ़िया याद नहीं आ रहा। दोस्तों मैं अपने घर पे आ गया हूँ, तो आपको अब मैं दिखाऊंगा कैसे होता है वो सिस्टम, हैजर्ड लाइट वाला और इंडिकेटर ऑन करते हैं तो कैसे इंडिकेटर नहीं चलते। ये देखो दोस्तों, मैंने अपनी गाड़ी की पहले तो हेडलाइट ऑन कर दी, इससे देखो पार्किंग लाइट भी जल गई, छोटी वाली पार्किंग लाइट ही ऑन करी अभी मैंने। ये हेडलाइट है या पार्किंग लाइट है, आप पार्किंग लाइट ऑन कर दिया करो, उससे पीछे वाली लाइट भी जल जाएगी। देखो आपको रेड रेड दिख रहा होगा पीछे मिरर में हल्का सा, मतलब मेरी गाड़ी की बैक लाइट्स ऑन है, रेड कलर अच्छे से विजिबल होता है, आराम से आपको दिख जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने चला दी हेडलाइट, हैजर्ड लाइट्स, ये देखो। अब मैं किधर का भी इंडिकेटर दे दूँ, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन कर दिया, चारों एक साथ ही जलनी है। इससे लेफ्ट का दे दिया, अभी भी चारों एक साथ जलनी है। देखो अब देखो, मैंने लेफ्ट का दे रखा है और राइट वाली लाइट्स भी जल रही हैं, आपको यहाँ पे लाइट दिख रही होगी, ये देखो। इससे दोस्तों पीछे वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, अगर हाईवे पर चला रहे हो, हाई स्पीड में चला रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं इससे। वैसे भी रोड स्लिपरी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा और गाड़ी फिर कंट्रोल से बाहर ही हो जाती है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और जो हैजर्ड लाइट्स हैं, ये गाड़ी खड़े होने पे ही यूज़ करनी चाहिए, ये बनी इसलिए होती हैं जब गाड़ी खड़ी हो, बाय चांस आपको ज़रूरत पड़ती है किसी को सिग्नल देने की पीछे कि ये गाड़ी खड़ी है, इससे डिस्टेंस बनाए रखें, उसके लिए होती है। और एक गाड़ी जब नहीं लेते हैं तो उसके साथ ऐसे शेप का ये डेंजर वाला, ये वार्निंग वाला साइन भी आता है प्लास्टिक का, उस पर रेडियम लग रही होती है, वो भी आपको अपनी कार से 10-12 फुट दूर रख देना चाहिए, उस पर स्टैंड भी होता है पूरा, मतलब सिस्टम भी होता है वो, उससे दूर से लोगों को वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उससे लोगों को पता चल जाएगी कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप यहाँ पे इस जगह से दूर हट जाओ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय।